Everyone, so this is our fourth lecture of complex analysis, and today we will discuss differentiability of complex function with its various example. So let's start. Topic is differentiability of a complex function. Differentiability exactly same है जैसे हमने real function में पढ़ी थी. उसमें हम क्या कहते थे, आपके पास f dash x किसके equal होगा, limit h approaches to zero f of x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच. अगर आपके पास ये लिमिट यूनिक एंड फाइनाइट आ जाए, है ना, तब हम कहते थे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा. बट अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी थी तो आप क्या कहते थे, यहाँ पर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एच. तो हम क्या कहते थे, अगर ये लिमिट फिर से यूनिक एंड फाइनाइट आ जाए तो आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल हो जाएगा एट पॉइंट एक्स नॉट, या फिर आप इसके प्लेस पर यूज करते थे एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट. सेम वही कि यहां पर अगर आपके पास ये लिमिट यूनिक एंड फाइनाइट आ जाए तो हम कहते थे कि हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशियबल हो जाता था एट पॉइंट एक्स नॉट. तो सिमिलरली यही हमें करना है कॉम्प्लेक्स के केस में. कॉम्प्लेक्स के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड नॉट, अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी है एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट. अगर ये आपके पास लिमिट यूनिक एंड फाइनाइट आ जाए तो आपका फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाएगा एट पॉइंट जेड नॉट. अगर पूरे फंक्शन की बात करनी है तो एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट, अब यहाँ पे h के प्लेस पर हमने यहाँ पर यूज नोटेशन की है डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, जस्ट नोटेशन है, इंक्रीमेंट के लिए यूज किया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल जेड. और अगर इसके केस में हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ z नॉट प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइड बाय डेल z. सिमिलर सेम वही है, h के प्लेस पर हमने यूज करा है डेल z एंड z x नॉट के प्लेस पर यूज किया है z नॉट, x के प्लेस पर यूज किया है z. डेफिनेशन वही सिमिलर है कि यूनिक एंड फाइनाइट होगा तो ये डिफरेंशियबल हो जाएगा. तो इसके रिगार्डिंग एक थ्योरम है, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. यही सेम थ्योरम हम पढ़ते थे रियल के केस में कि हर एक जो भी फंक्शन डिफरेंशियबल होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा. सो लेट स्टार्ट. सो एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, आपको ये प्रूव करना है. दैट मीन्स आपको कोई एक डिफरेंशियबल फंक्शन कंसिडर करना होगा. सो लेट एफ जेड बी डिफरेंशियबल फंक्शन, किसी पॉइंट पर ले लेते हैं हम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे से जेड नॉट इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सम पॉइंट से जेड नॉट. तो अगर ये z नॉट पे कॉन्टिन्यूस है तो क्या हुआ होगा, इसका पार्शियल, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा z नॉट पर, वो किसके इक्वल होगा, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइड बाय z माइनस z नॉट. ठीक है, मैंने जो लास्ट में ये था इसका यूज किया है, ये वाली डेफिनेशन का. ओके, सो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमारा जो फंक्शन है हमें वो कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है. कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूव करना है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ z नॉट के, मुझे ये प्रूव करना है. ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, जैसे हम रियल में प्रूव करते थे, प्रूफ भी एग्जैक्टली सिमिलर है. मैंने कंसीडर कर ली लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट. ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया, मतलब इसको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले जाके वो वाली टर्म को मैं जीरो. ये प्रूफ करने का मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, लिमिट z माइनस z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये प्रूफ करना है एक्चुअली मुझे. तो मैंने वही टर्म कंसीडर कर ली कि इसको जीरो के इक्वल प्रूफ करेंगे. सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट एज इट इज, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया z माइनस z नॉट से. ओके, अब इन दोनों लिमिट को ब्रेक करके लिख लेते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइड बाय z माइनस z नॉट इनटू लिमिट
z अप्रोचेस टू z नॉट, z माइनस z नॉट। ओके, इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, f डैश z नॉट, जो आपके पास फाइनाइट है, ये वैल्यू आपके पास है फाइनाइट, है ना, क्योंकि तभी तो डिफरेंशिएबल होगा अगर वो वैल्यू फाइनाइट होगी, इन टू लिमिट z माइनस z नॉट, z अप्रोचेस टू z माइनस z नॉट, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, और यहाँ पे z माइनस z नॉट। तो अगर आप इसको फाइंड करो लिमिट को, तो ये क्या हो जाएगा, z के प्लेस पे z नॉट पुट करोगे, z नॉट माइनस z नॉट क्या आ जाएगा, जीरो। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, एक फाइनाइट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो से, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ये जीरो आ गया, मतलब ये पूरी टर्म आपके पास जीरो आ गई, दैट मीन्स लिमिट z माइनस z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ z नॉट, और इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूस एट z नॉट, बट z नॉट तो मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया था, दैट मीन्स आपने आर्बिट्री पॉइंट पे उसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया, तो वो हर एक पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, दैट मीन्स एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बट इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये इम्प्लाई बिल्कुल नहीं करता कि वो डिफरेंशियबल भी होगा, बट डिफरेंशियबल है दैट मीन्स वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस भी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10, यूजिंग डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। आपको इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, फंक्शन एफ जेड है, किस पॉइंट पर, जेड इक्वल्स टू माइनस वन, दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी गिवन है, जेड नॉट की। तो हमें पता है एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय डेल जेड। तो यहां पुट करते हैं हम वैल्यू, एफ डैश जेड नॉट की वैल्यू है माइनस वन, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ माइनस वन डिवाइड बाय डेल जेड। सो लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो, आपको फंक्शन क्या गिवन है, जेड क्यूब माइनस टू जेड, मतलब आपको जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको क्यूब करना है, देन माइनस टू ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस वन प्लस डेल जेड का क्यूब माइनस टू ऑफ माइनस वन प्लस डेल जेड, ये वैल्यू इसकी आ गई, देन माइनस, अब आपको z के प्लेस पर क्या पुट करना है, माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन का क्यूब माइनस टू देन माइनस वन डिवाइड बाय डेल जेड। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्यूब ओपन कर लेते हैं, क्यूब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन, है ना, क्यूब ओपन करना है जैसे आपको, माइनस वन प्लस डेल जेड का क्यूब माइनस थ्री डेल जेड इंटू माइनस वन प्लस डेल जेड एंड माइनस, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस वन, और ये भी आपके पास हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा ये, या पहले इसको सॉल्व कर सकते हो, पहले सॉल्व कर लो, एक ही बात है। सो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर, वन सेकेंड, यहाँ पर हमारी ये टर्म रह गई है, ये वाली टर्म थी, माइनस प्लस टू हो जाएगा, दिस टर्म प्लस टू एंड देन माइनस टू डेल जेड। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस वन प्लस टू, दैट मीन्स प्लस वन बाहर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस वन डिवाइड बाय डेल जेड। अब आप देखो यहाँ पर टू प्रेजेंट है, यहाँ पर है टू माइनस वन माइनस वन, तो माइनस टू हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, सो आपके पास इक्वेशन रह जाएगी लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो, पूरे में से आप डेल जेड कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा डेल जेड का क्यूब स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस वन प्लस डेल जेड माइनस टू डेल जेड, यहाँ पे डेल जेड से डेल जेड कैंसिल आउट हो गया। अब जस्ट आपको क्या करना है, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो डेल जेड का स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस वन प्लस डेल जेड माइनस टू, जस्ट अब आप लिमिट पुट कर दो, डेल जेड इक्वल्स टू जीरो, तो आ जाएगा जीरो का स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस वन प्लस जीरो माइनस टू, तो ये आपके पास हो गया जीरो प्लस थ्री माइनस टू इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स एफ डैश माइनस वन इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया है, वन। ओके, देखो आपके पास क्या था, फंक्शन था एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब माइनस टू जेड, ठीक है, आप इसका वैसे भी डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करते तो क्या आता, थ्री जेड स्क्वेयर माइनस टू। अब आपको कहाँ पॉइंट
इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है एट जेड इक्वल्स टू माइनस वन. तो यहाँ पुट करो, मतलब एफ डैश माइनस वन कितना आ जाएगा, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वेयर माइनस टू, थ्री माइनस टू इक्वल्स टू वन. तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है. बट सो देर इज अ नोट फॉर यू, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट जेड नॉट, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट. अब हमें पता है जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने लिखा था डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, जो आपके पास किसके इक्वल आएगा, यू प्लस आयोटा वी, और यहाँ पर जेड किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई. कैसे हमने कंसिडर किया था, सो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू होगी सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड नॉट की वैल्यू क्या हो गई, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट. तो जो यहाँ पर जेड है मैं इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर लिखूं, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा ये जेड, एंड ये आपके पास हो जाएगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. ठीक है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू प्लस आयोटा वी इक्वल्स टू इसकी वैल्यू, इसकी टर्म भी आयोटा की टर्म में लेते हैं, यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इमेजिनरी और रियल पार्ट अगर कंपेयर करो तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट यू इक्वल्स टू यू नॉट एंड लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट वी इक्वल्स टू वी नॉट. है ना, यही हुआ. तो अगर आप सिमिलरली अगर आपके पास सिंपल ये लिखा है तो इससे आप क्या कह सकते हो यहां से कि यू कॉन्टिन्यूस है ना, और यहां से आप क्या कह सकते हो वी कॉन्टिन्यूस है. दैट मीन्स, और यू किसका फंक्शन होता था, या अगर आप इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यू फंक्शन होता था एक्स एंड वाई का, सिमिलरली वी भी फंक्शन होता था एक्स एंड वाई का. ये तो था ना एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स एंड वाई का फंक्शन है ये, प्लस वी एक्स एंड वाई का फंक्शन है, और ये आयोटा. इस टाइप से आप लिखते थे. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूस है किसी जेड नॉट पॉइंट पर, तो वहां पर u भी कॉन्टिन्यूस होगा और v भी कॉन्टिन्यूस होगा. मतलब अगर पूरा का पूरा एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो इसका जो रियल पार्ट है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी कॉन्टिन्यूस होंगे. सिमिलरली इसका रिवर्स भी होगा. ठीक है, इसकी रिवर्स कंडीशन भी ट्रू होगी. अगर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इसके ट्रू है, आपके फंक्शन जो है उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग से कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो, दैट मीन्स पूरा का पूरा एफ जेड भी कॉन्टिन्यूस होगा. तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आप ये भी प्रूव कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो कॉन्टिन्यूटी के लिए, कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जस्ट चेक कर लो. अगर फंक्शन के रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दैट मीन्स आपका फंक्शन भी उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मोड जेड का स्क्वेयर, ये कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह पे, बट कहीं पे भी डिफरेंशियबल नहीं होगा एक्सेप्ट एट द ओरिजिन. तो आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मोड जेड का होल स्क्वेयर. तो अगर मैं जेड की वैल्यू पुट करूं तो क्या होगी, एक्स प्लस आयोटा वाई इस पूरे का होल स्क्वेयर. तो ये आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई मोड, आप कैलकुलेट करो इसकी पावर 1/2 एंड पूरे की पावर आपके पास है 2 स्क्वेयर है. तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा जीरो. तो ये आपके पास वैल्यू हो गई यू की जो फंक्शन है एक्स एंड वाई का, ये वैल्यू हो गई है वी की जो फंक्शन है एक्स एंड वाई का. तो आपको पता है यू की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और हमें पता है ये एल्जेब्राइक फंक्शन है. एल्जेब्राइक फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह पे. सिमिलरली जो वी है वो आपके पास क्या है, जीरो. कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एक्स एंड वाई तो आप कहाँ चले गए, आप जो हम पढ़ते थे रियल में कि आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो वहां से आपके पास यू कॉन्टिन्यूस आ गया एंड वी कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है एंड ये कॉन्टिन्यूस है, यू कॉन्टिन्यूस है, वी कॉन्टिन्यूस है. दैट मीन्स आपका पूरा का पूरा जो फंक्शन है एफ वो भी कॉन्टिन्यूस है. तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया है कॉन्टिन्यूटी. नेक्स्ट हमें इसकी प्रूफ करनी है कि ये डिफरेंशियबल नहीं है ओरिजिन को छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट पे, ये आपका डिफरेंशियबल नहीं है. तो मैंने कोई एक जर्नल पॉइंट लिया जेड नॉट, ठीक है, उस पर मैंने इसका एफ डैश जेड नॉट कैलकुलेट किया, तो वो किसके इक्वल आ गया, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट. अब अगर ये डिफरेंशियबल नहीं है तो क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली ये लिमिट है, ये एग्जिस्ट नहीं की होगी, है ना, ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगी. अब कोई लिमिट है वो कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके आपके पास फाइंड करने के दो वेज होते हैं.
वैसे इन जनरल क्या होता है आपके पास कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ कंसिडर करोगे, अगर जो पाथ है आपने जो पाथ कंसिडर किया उस पर अलग अलग लिमिट आ जाए, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि लिमिट यूनिक नहीं आई। तो आप दो वे से इसको चेक कर सकते हो। पहला तो होता है कि आपने कोई पाथ पुट किया से वाई इक्वल्स टू एम एक्स, इस टाइप से है ना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है हम किस टाइप का पाथ पुट कर रहे हैं, या जो हमने डिस्कस किए थे कि आप पहले क्या करो, अगर आपके पास है जेड अप्रोचेस टू जीरो तो आप जा सकते हो अलोंग एक्स एक्सेस या फिर अलोंग वाई एक्सेस, ये हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में है ना, या फिर किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू दैट इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स, या फिर कोई भी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। तो इन जनरल वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वेयर, वाई इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब, या जरूरी नहीं है ये भी हो सकता है एक्स इक्वल्स टू वाई एम एक्स है ना स्क्वेयर, इस टाइप से जैसे हम रियल में प्रूव करते थे वही हमारे पास है ना। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया है, ये तो आपके पास हो गया जो आप रियल में भी काम करते थे, जब आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवानी होती थी तो आप इस टाइप से प्रूव कर देते थे कि आपकी जो लिमिट है वो एम पे डिपेंड कर दी जाती है। अगर एम पे डिपेंड कर गई है दैट मीन्स एम पे डिपेंड करने का मतलब हो गया कि एम के अकॉर्डिंग जो एम की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो आपकी लिमिट है वो डिफरेंट आएगी, दैट मीन्स यूनिक डिफरेंट आई, मतलब वो फाइनाइट नहीं रही, यूनिक नहीं रही है ना, सॉरी वो यूनिक नहीं रही, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है दैट मीन्स वो यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें तो ये हो जाता है अगर एम एग्जिस्ट कर जाए इस टाइप से पुट करने में। एक हम यूज करते हैं यहाँ पर पोलर फॉर्म का, जो आपके पास जो जेड है ना, जेड की वैल्यू को अगर आप पोलर फॉर्म में लिखो, जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस आयोटा वाई, बट हम इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है, हर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की पोलर फॉर्म होती है। वहां पर एफ एक्स के प्लेस पर पुट करते हो आर कॉस थीटा एंड वाई के प्लेस पर पुट करते हो आर साइन थीटा। ओके तो यहां से आपके पास जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, आर कॉमन ले लो अगर आप, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, वेयर जब आप वहां से कैसे करोगे, ये आप सपोज इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ये आपको करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सो इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड स्क्वेयरिंग बोथ इक्वेशन एंड ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपसे। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सिमिलरली अगर आप इनको डिवाइड करोगे है ना, इन इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो वाई बाई एक्स आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो हम क्या करते हैं, या तो ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ पुट करने वाला, अगर पाथ पुट करके या तो डिफरेंट आपके पास लिमिट आ जाए या फिर एम जो आंसर है लिमिट में एम आ जाए दैट मीन्स एम पे डिपेंड कर जाएगी, तब हम बोलते हैं लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि वो यूनिक नहीं आएगी। या फिर आप ये दूसरा पोलर वाला मेथड यूज करते हो, इसमें एक्स के प्लेस पर आर कॉस थीटा पुट करोगे, वाई के प्लेस पर आर साइन थीटा पुट करोगे, तो ये पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है, जो हमारी लिमिट है, अगर वो थीटा पे डिपेंड कर जाए, जैसे इसमें अगर एम पे डिपेंड कर जाए तो हम बोलेंगे हमारी यूनिक जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली अगर थीटा पे डिपेंड कर जाए इस वाले केस में, पोलर वाले केस में, तो हम बोलेंगे हमारी लिमिट यूनिक नहीं है, वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, थीटा के अकॉर्डिंग उसके जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, दैट मीन्स जो आपकी लिमिट है वो फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूव करना है कि ये आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मीन्स मुझे ये दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो चेक करते हैं ये कैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, ये आपके पास हो जाएगा मोड जेड का स्क्वेयर माइनस जेड नॉट का स्क्वेयर ना, जेड माइनस जेड नॉट। अब हमें पता है जेड के मोड का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, एक्चुअल में क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यही होगा। अब z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, इनको मल्टीप्लाई करो, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये भी किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दैट मीन्स दोनों टर्म इक्वल हैं, इसका मोड का स्क्वेयर इक्वल्स टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, और हो जाएगा आपके पास z नॉट इंटू जेड नॉट का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z माइनस जेड नॉट, बाकी एज इट इज ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम प्लस माइनस कर देते हैं, हम जेड जेड इंटू जेड नॉट, जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड नॉट को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हम कर देते हैं, ये मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया और इसी टर्म को मैंने ऐड किया, बाकी एज इट इज। अब आप जस्ट कॉमन ले लो, पहले आपके पास जेड बार कॉमन आ जाएगा, ये जेड कॉन्जुगेट, यहाँ से बचेगा जेड माइनस जेड नॉट प्लस, यहाँ से अब आप कॉमन जेड नॉट ले लोगे तो यहाँ से बचेगा दिस, दोनों का कॉन्जुगेट है ना, डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट,
लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट। ओके, अब आप क्या करो, इसको जस्ट ब्रेक कर लो। ब्रेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ z कॉन्जुगेट रह जाएगा और यहाँ पर ये एज इट इज टर्म रहेगी, ये कैंसिल आउट नहीं हो रही है। ओके, अब क्या कर सकते हो, अब आप पूरे को x के टर्म में चेंज करके, x एंड y के टर्म में चेंज करके फिर वहां वो m वाला पुट कर लो, या फिर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ पोलर फॉर्म का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पोलर फॉर्म का यूज करना है। पोलर फॉर्म का यूज करोगे तो z माइनस z नॉट की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हम रखेंगे, अगर हमें क्या करना है, एक्चुअल में अपनी कैलकुलेशन इजी बनानी है ना, सिर्फ जब आप इसकी वैल्यू रखते हो तो आप क्या रखते हो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो वो सपोज कर लेते हैं वो है आर वन, है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस टाइप से है कुछ। तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर वन कॉस थीटा प्लस आर वन प्लस आर टू आयोटा साइन थीटा, तो उसको मैंने एल के फॉर्म में दे दिया डायरेक्ट कि एल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, बस उसको चेंज ही किया जस्ट मैंने। तो सिमिलरली आपके पास, अब फाइंड कर लेते हैं हम z माइनस z नॉट का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, बस आप कॉन्जुगेट ही लगाना है, l cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट ये एज इट इज, ठीक है, प्लस z नॉट, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें z नॉट एज इट इज, ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, l cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय, अब आपको ये तो पता होगा यहाँ पर z माइनस z नॉट ये कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 10। ओके, सो यहाँ पे सॉरी नेगेटिव साइन आएगा ना, यहाँ पर ऊपर आपके पास आएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन, सो ये राइट माइनस। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा l cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एल ऑब्वियसली पूरे के साथ यहाँ पर कॉमन था, तो एल से एल कैंसल आउट हो जाएंगे ये। अब आपके पास ये जो टर्म बची है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आप इसको फर्दर example 12th prove that f of z equals to z conjugate is nowhere differentiable but continuous everywhere in complex plane. तो हमें ये प्रूव करना है कहीं पे भी डिफरेंशियबल नहीं है बट हर जगह कॉन्टिन्यूस है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो आपके पास f of z इक्वल है z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट के, तो इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है हम वो प्रूव कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। सो जो कॉन्टिन्यूस है वो आपके पास हो जाओगे एग्जाम्पल नंबर 6 है, आप सेम वही करोगे, 6th का 17th पार्ट था उसमें हमने ये किया था। अब हमें इसकी प्रूफ करनी है डिफरेंशियबिलिटी की, कहीं भी डिफरेंशियबल नहीं है, कहीं भी डिफरेंशियबल नहीं है तो क्या करूंगी मैं, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लूंगी से जेड नॉट, मैं प्रूफ करूंगी कि वहां पर ही डिफरेंशियबल नहीं है। तो मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया, जब वहां डिफरेंशियबल नहीं है दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पर ही डिफरेंशियबल नहीं होगा। सो मैंने क्या किया, कोई जेड नॉट पॉइंट ले लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन से, ठीक है, मैं प्रूफ करूंगी कि यहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं है। क्या प्रूफ करना है आपको, एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। इसके लिए दैट मीन्स हम क्या प्रूव करेंगे कि जो इसकी लिमिट है किसके इक्वल होता है, लिमिट के इक्वल है ना, जो लिमिट की वैल्यू है एफ डैश जेड नॉट ये किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय डेल जेड। तो मैं क्या प्रूव करूं कि जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो चेक करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम। एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड क्या आ जाएगा, जेड नॉट प्लस डेल जेड कॉन्जुकेट माइनस जेड नॉट कॉन्जुकेट डिवाइड बाय डेल जेड। हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, हमने ऐसे किया था एक एग्जाम्पल में, z नॉट प्लस z का कॉन्जुकेट किसके इक्वल होगा, z कॉन्जुकेट प्लस z नॉट का कॉन्जुकेट, अलग 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 ब्रेक कर सकते हो। तो सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल z अप्रोचेस टू जीरो z नॉट कॉन्जुकेट प्लस डेल z कॉन्जुकेट
माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट डिवाइड बाय डेल जेड। तो यहाँ जेड नॉट कॉन्जुगेट से जेड नॉट कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट डेल जेड अप्रोचेज टू जीरो डेल जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय डेल जेड। नाउ मुझे ये प्रूव करना है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लास्ट जो एग्जाम्पल था हमने उसमें लिया था आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इस टाइप से लिया था, मतलब मैंने दिखा दिया कि थीटा आपकी लिमिट में आता है तो थीटा पे डिपेंड कर जाती है लिमिट, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो फाइनाइट नहीं रहेगी, सॉरी यूनिक नहीं रहेगी। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हम दूसरे वाले वे से प्रूव करेंगे कि हम पाथ डिफरेंट डिफरेंट ले लेंगे और दिखाएंगे कि उन डिफरेंट पाथ पे इसकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है। फिर से वही सेम कंसेप्ट हो जाएगा कि लिमिट की जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं आ रही, अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग अलग वैल्यू आ रही है, तो लिमिट दैट मीन्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम दो पाथ लेंगे, हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पाथ के बारे में रियल एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में, तो वहां पर हमने डिस्कस किए थे कुछ पाथ। एक पाथ था आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस और एक हमने डिस्कस किया था अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपके पास क्या था, कुछ इस टाइप से हमने ग्राफ बनाया था, आपको इस पॉइंट पर तक पहुंचना था। तो हमने क्या किया था, अलोंग जेड एक्सिस जा रहे हैं हम, तो आपका कहीं यहाँ पॉइंट जेड नोट है, तो पहले इस तरह से ये ट्रेवल करेगा एंड देन दिस वे। तो ये था अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें हमने क्या बोला था कि पहले आप क्या कर रहे हो, वाई को जीरो कर रहे हो देन एक्स को जीरो कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल वाई अप्रोचेस टू जीरो एंड डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ओके, और अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या था, अगर आपका पॉइंट यहाँ है कहीं जेड नॉट, तो पहले हमने हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया है, दैट मीन्स आपने क्या किया, पहले एक्स को जीरो अप्रोच करवाया एंड देन वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया तो वाई को अब जीरो अप्रोच करवाया, डेल वाई अप्रोचेस टू जीरो। तो हम इन दोनों पाथ के अलोंग इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। सो ऑब्वियसली डेल जेड मैंने किसके इक्वल ले लिया है, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के। ओके, और जेड आपके पास किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा वाई के, तभी यहां से आएगा। सो हम यहाँ लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो दिस डिवाइड बाय दिस, इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या है इसकी वैल्यू, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई कॉन्जुगेट डिवाइड बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। कॉन्जुगेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो ये दोनों, तो यहां तक तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी लिमिट को, जिसमें थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस करोगे तो क्या करना है, वाई को पहले जीरो अप्रोच करवाना है देन एक्स को। तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू जीरो डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये सेम यहां पर आप लिमिट लिख दो। तो क्या करना है आपको, पहले यहां पर इस वाले में क्या करोगे, पहले आप x को जीरो अप्रोच करवाओगे डेल x को एंड देन डेल y को। सो यहां पर अभी तक तो सेम वैल्यूज ही लिखी है हमने, अब देखते हैं क्या चेंज आएगा यहां पर। सो ये इक्वल हो जाएगा आपको, देखो y को डेल y को जीरो अप्रोच करवाना है, तो ये क्या रह जाएगी, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो, यहां पे जीरो जीरो पुट करोगे इसकी वैल्यू तो रह जाएगा डेल x डिवाइड बाय डेल x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा वन, तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई वन। तो यहां पर दूसरी लिमिट में आप क्या करोगे, पहले डेल एक्स को जीरो अप्रोच करवाओगे, तो डेल एक्स को जीरो अप्रोच करवा रहे हैं तो क्या रह जाएगा, डेल वाई जीरो अप्रोचेस टू जीरो, ये बचेगा माइनस आयोटा डेल वाई डिवाइड बाय आयोटा डेल वाई, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या रह जाएगा, माइनस वन, तो इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो एक ही लिमिट थी उसकी दो डिफरेंट वैल्यू आ गई है, मतलब वैल्यू यूनिक नहीं रही है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, पाथ के अकॉर्डिंग इनकी डिफरेंट वैल्यू आ गई है। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, लिमिट किसके इक्वल थी, एफ डैश जेड नॉट के, दैट मीन्स वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर हमने आर्बिट्री पॉइंट किया, दैट मीन्स पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये डिफरेंशियबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको ले लेते हैं, एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टू जेड प्लस थ्री आयोटा। तो आप इसको डेरिवेटिव लेना है आपको इसका, एफ ऑफ जेड का, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस स्क्वायर टू जेड प्लस थ्री आयोटा। तो आप कैसे करते थे, आप लिखोगे टू
कॉस 2z प्लस 3 आयोटा इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, है ना, इंटू डेरीवेटिव ऑफ किसका डेरीवेटिव, कॉस 2z प्लस 3 आयोटा का, सिमिलरली जैसे आप पहले करते थे. तो बाकी ये टर्म एज इट इज 2 कॉस 2z प्लस 3 आयोटा. कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, माइनस साइन, तो वही होगा माइनस साइन 2z प्लस 3 आयोटा इंटू डेरीवेटिव ऑफ ये जो आपके पास आर्ग्यूमेंट में है, यानी जो उसका एंगल है 2z प्लस 3 आयोटा, इसका आपको डेरिवेटिव करना है. तो बाकी सारी टर्म एज इट इज आ जाएंगी, माइनस यहाँ आ गया साइन 2z प्लस 3 आयोटा, देन 2z प्लस 3 आयोटा का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 4 कॉस ऑफ 2z प्लस 3 आयोटा साइन ऑफ 2z प्लस 3 आयोटा. सो दिस इज योर डेरिवेटिव. नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड पार्ट अगर हम करें इसका, तो ये आपके पास कौन सा केस हो गया कि आपके पास जैसे हम करते थे x की पावर y या x की पावर कुछ, है ना, x की पावर x स्क्वायर माइनस 2, इस टाइप से इसको क्या करते थे हम f ऑफ z के इक्वल ले लेंगे एंड देन लॉग ले लेंगे, इसी टाइप से करते थे वहां पर. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 4z प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ जेड माइनस 3 आयोटा, है ना. इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर में, अगर मैं इसको लिख दूं पावर में की फॉर्म में, अगर मैं लिखूं इसको, आपकी मर्जी, आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहो, आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हो. ठीक है, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव से इसका करते हैं. इसका डायरेक्ट मैंने डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट किया, तो आ जाएगा 1 बाय एफ जेड इंटू एफ डैश जेड, ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो 4z प्लस 2 एज इट इज इंटू 1 डिवाइड बाय लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है तो 1 बाय दिस आ जाएगा, एंड देन इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस लॉग ऑफ जेड माइनस 3 आयोटा, देन इसका डेरिवेटिव करोगे सिर्फ 4 रह जाएगा आपके पास. तो यहां से क्या आपके पास आ गया एफ डैश डिवाइड बाय एफ जेड इक्वल्स टू 4z प्लस 2 एंड देन डिवाइड बाय दिस टर्म प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ जेड माइनस 3 आयोटा. बट मुझे वैल्यू सिर्फ किसकी चाहिए, एफ डैश जेड की, है ना, तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, एफ जेड यहां आ जाएगा और ये टर्म एज इट इज पूरी की पूरी. आपको जस्ट क्या करना है, एफ जेड की वैल्यू रख देनी है. एफ जेड की वैल्यू रख देते हैं हम, क्या एफ जेड की वैल्यू, दिस जेड माइनस 3 आयोटा इसकी पावर है 4z प्लस 2 इंटू 4z प्लस 2 डिवाइड बाय जेड माइनस 3 आयोटा प्लस जेड माइनस 3 आयोटा की पावर 4z प्लस 2 इंटू 4 मैंने यहां लिख दिया लॉग ऑफ जेड माइनस 3 आयोटा. तो ये आपके पास ये सेम है ना, डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा z माइनस 3 आयोटा की पावर 4z प्लस 1 हो जाएगा, पावर कम हो गई, इंटू 4z प्लस 2 एंड देन बाकी टर्म एज इट इज 4 इंटू जेड माइनस 3 आयोटा की पावर 4z प्लस 2 एंड लॉग ऑफ z माइनस 3 आयोटा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज.